चैप्टर नंबर 13 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज 2D। सो उस चैप्टर में जो क्वेश्चन पेपर चाहिए ने 2011 में एक क्वेश्चन, 13 में दो दो क्वेश्चन, जो 2013 में पेपर दो बारी होया। सो दोनों टाइम के दो दो क्वेश्चन आए ने, 14 में एक क्वेश्चन, 16 में दो क्वेश्चन, 18 में दो क्वेश्चन। सो देखो जो सवाल पहला पेपर में आया 2011 में वो करने लगे हैं कि इफ फोर साइड्स ऑफ कोआर्डिनेटर ए बी सी डी आर टेंजेंट टू अ सर्कल देन, कि मीन कोआर्डिनेटर ने साइड्स ने चार, देखो ए बी सी डी ये सर्कल नु की है टच कर देने, ठीक है। सो ए बी सी डी, सो ए टेंजेंट हो गया, जो कोआर्डिनेटर की साइडा ने वो सर्कल दी टेंजेंट बन जाती है, ठीक है। सो हम आप इन चार कंडीशनों में दसना केड़ी कंडीशन ट्रू है। सो देखो सिंपल का रिजल्ट ही याद रखना कि सम ऑफ ओपोजिट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ ओपोजिट साइड, मीन इन्हों दोनों ओपोजिट साइड का सम इज इक्वल टू इन दोनों ओपोजिट साइडा इक्वल है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, ये रिजल्ट अपन याद ही रखना। सो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। सो ऑप्शन नंबर सैकेंड अपना किस क्वेश्चन का आंसर है। सो थोड़ी आप होर इंट्रोडक्शन करते हैं कि टेंजेंट होंदा की है, सर्कल है, सर्कल के बाहरले किसी एक पॉइंट तो सर्कल कोई लाइन ड्रा कर दी, जो सर्कल टच कर दी, सर्कल नू टच कर दी, वो अपना की टेंजेंट होंदा है, ठीक है ना। सो देखो सर्कल के एक पॉइंट तो सिर्फ आप दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं बाहरले एक पॉइंट तो। सो जो बाहरले एक पॉइंट तो दो टेंजेंट ड्रा करते हैं वो दोनों टेंजेंट के इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो टेंजेंट होंगे कि जो सर वह लाइन जो सर्कल को टच कर जाए, वह लाइन सर्कल को टच कर जाए, बट सर्कल के उपर सिर्फ अपन एक पॉइंट के उपर एक ही टेंजेंट मिलता है, एक पॉइंट के उपर एक ही टेंजेंट मिल सकता है, ठीक है। तो सर्कल के अपन जो पैरेलल पैरेलल पेयर ऑफ टेंजेंट है वो किन्ने, सिर्फ पैरेलल पेयर सिर्फ एक पेयर ही होंगे जिहड़ा कि टेंजेंट का पैरेलल होंगे, क्योंकि सर्कल के एक पॉइंट के उपर अपन एक ही टेंजेंट मिलता है। हुण इहदे पैरेलल सिर्फ आही टेंजेंट होगा, कोई होर तो इहदे पैरेलल हो ही नहीं सकता। सो किन्ने पेयर है, एक पेयर ही है, ठीक है। सर्कल के एक पॉइंट के उपर एक ही टेंजेंट है, बट सर्कल के उपर किन्ने टेंजेंट होंगे, इनफाइनाइट मैनी, सर्कल के उपर जिन्ने मर्जी टेंजेंट अपन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, बट एक पॉइंट तो एक ही। सो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिस आंसर की सैकेंड। सम नंबर सैकेंड जो पेपर 2013 में आया सी जून मंथ में, द सिंपल पॉलीगोन है 12 लाइन, कि पॉलीगोन दी टोटल लाइन कि 12 ने, मीनस पॉलीगोन साइड्स कि 12 साइड ने। द वैल्यू ऑफ ईच एंगल, सो आप ईच एंगल की वैल्यू फाइंड करनी, मीनस हरेक एंगल किन्ने डिग्री का, जिम्मे आप गल करिए इक्वल ट्राइंगल होंगी ना, वह हरेक एंगल कि 60 डिग्री है। तो उम्मीद फाइंड करना है कि जो वो पॉलीगोन जिन्हें साइडा 12 है वह हरेक एंगल किन्ने डिग्री है। सो ये ऑप्शन दे रखिए अपन, ये करने तो पहले आप गल करते हैं कि अपने को देखो कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पॉलीगोन विद एन साइड, कि मैं किसी भी पॉलीगोन का अपना सारे एंगलों का सम फाइंड करना हो, ठीक है। सो वो साइड कि एन ने, सो वह फॉर्मूला की है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, सो ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो सारे एंगल सम है, सो अपनी एन कि 12 है, ठीक है, 12 माइनस टू इंटू 180, सो यह आंसर है 1800। सो ये सारे एंगल सम जिन्हें साइड 12 ने, सारे एंगल सम कि 1800, बट आप फाइंड करना ईच एंगल, सो ईच एंगल किन्ने डिग्री होगा। सो 12 साइड्स की इक्वल ही नहीं, ठीक है। सो 1800 को अपन डिवाइड करेंगे 12 नाल, सो आंसर आएगा 150। ओके, मी हरेक एंगल किन्ने डिग्री है, 150 का। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना की आंसर। सो ये कुछ और फॉर्मूले भी अपना डिस्कशन करते हैं कि किसी भी पॉलीगोन का, पॉलीगोन का आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल पॉलीगोन की रेगुलर हो, रेगुलर पॉलीगोन। सो वह फॉर्मूला की 360 डिवाइड बाय
नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, जो ट्रायंगल है इक्विलेटर कोई तीन साइड है और आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना ये वाला। सो ट्रायंगल दे 360 में डिवाइड करांगे नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कितनी 3 ने, सो 3 का डिवाइड 120 आएगा, मतलब एक हरेक एक्सटीरियर एंगल कितना 120। सो जी आप चेक करना हो किवें करेंगे, देखो ट्रायंगल का हरेक एंगल 60 डिग्री है जी। सो हुण इहदा आह वाला एंगल किन्ना होगा, ये पूरा एंगल लीनियर पेयर है, सिर्फ आप करना आवर फाइंड। सो 180 करो इन माइनस बचेगा 120। सो आप ए चेक कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूला की है, रेगुलर पॉलीगॉन्स ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। सो इस फॉर्मूले तो जेकर अपने को एक्सटीरियर एंगल गिवन हो, नंबर ऑफ साइड फाइंड करना हो, सो 360 एक्सटीरियर एंगल डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आप जेकर इंटीरियर एंगल भी फाइंड करना हो वो भी फाइंड होगा इंटीरियर एंगल। सो पहले ए फॉर्मूला यूज करेंगे, सो ए फॉर्मूला यूज करके अपन की मिलेगा एक्सटीरियर एंगल, फिर 180 जो करेंगे माइनस अपना एक्सटीरियर एंगल, सो अपन हरेक की है इंटीरियर एंगल मिल जूगा। ठीक है, सो ये फॉर्मूले, बट ए क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर की है ऑप्शन नंबर 2। अगे सम नंबर 3 देखो, अमंग द फॉलोइंग इट इज पॉसिबल टू मेक ट्राइंगल ऑन द बेस मेजर ऑफ लाइन। सो अपने ट्राइंगल की साइडा दे रखी हैं, दसना कि ट्राइंगल साइड नाल अपनी ट्राइंगल की है पॉसिबल हो जूगी। सो बेस दे अकॉर्डिंग, सो ट्राइंगल दे अकॉर्डिंग आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। सो हम आप हरेक ऑप्शन ये पुट करेंगे, जी ऑप्शन ने अपन लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आंसर देता वो अपना की आंसर है। सो आप डायरैक्ट ऑप्शन नंबर सैकेंड सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यदा आंसर होगा। सो जो वड्डी साइड उन्होंने 5h मनेंगे, जो ट्रायंगल की हाइपोटेनस की है ट्रायंगल की वड्डी साइड होंगी है, सो पी ते भी किसी कोई मर्जी मान लो जो वड्डी साइड है उन्होंने h मनेंगे। सो h इज इक्वल टू 5, सो मीन 25 हो जाऊंगा। सो पी का स्केयर कितना होगा 4 का स्केयर 16 हो जाएगा, बी का स्केयर मीन 3 स्केयर 9 हो जाएगा। सो इन दोनों का प्लस करांगे 25 हो जाएगा, तो 25 इक्वल टू 25 ऑप्शन नंबर 2 ने अपना की आंसर प्रूफ करता जो चीज़ अपन इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग चाहिए थी। सो ऑप्शन नंबर 2 की है इस ट्राइंगल दी पॉसिबल साइड्स ने, बाकी तीन ही ऑप्शन की इस कंडीशन में सैटिस्फाई नहीं होनी है, चाहे तुम करके देख सकते हो। सम नंबर 4 देखो, इन एनी ट्राइंगल द सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशो। सो ये अपने की रिजल्ट इन याद ही रखना है कि ट्राइंगल के अंदर जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड कहता है कि ट्राइंगल के मीडियन, ट्राइंगल के मीडियन जिते इंटरसेक्ट करते जो पॉइंट से वो की है सेंट्रोइड। ओके, जो सेंट्रोइड की जो रेशो है वह की होगी, ठीक है, मीडियन इन द रेशो, यदि रेशो 2:1 होगी, 2:1। सो ऑप्शन नंबर 3 अपना की आंसर है। सो रिजल्टी इन याद ही रखा। सो स्टाम नंबर 5 देखो, ए सर्कल इंटायर इन द अनदर सर्कल, कि सर्कल के अंदर कोई सर्कल है जो सर्कल टच करता है। इट इज पॉसिबल टू ड्रा, देखो ये सवाल आप किवें करेंगे, ये सर्कल है हुण इहदे अंदर कोई सर्कल है जिहड़ा कि इहनूं उत्थे टच कर रहा। ओके, सो दसना कि इहदे विच पॉसिबल टू ड्रा टेंजेंट की कि कंडीशन ड्रा की जाती है। आपां गल कीती सर्कल टेंजेंट की, वह लाइन जिहड़ी सर्कल नूं टच करे। ठीक है, हुण इहनां दोनों पॉइंटां दा कॉमन पॉइंट सिर्फ यही है। सो इस एक पॉइंट तो सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा किया जाता है। ठीक है ना, कि सर्कल का कॉमन पॉइंट एक है। सो यह दोनों पॉइंट नूं टच करदा सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा किया जाता है। जेकर तुसीं इत्थों टेंजेंट ड्रा करांगे, ये टेंजेंट सिर्फ इस सर्कल ही है, इस सर्कल को टच नहीं करेगा, बट जो आ टेंजेंट है ये दोनों सर्कल को टच करता है। सो इट मीनस क्लीयर पता लग रहा है कि इन्हों दोनों सर्कल के एक ही कॉमन की है टेंजेंट होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 का की है आंसर है। सम नंबर 6 देखो, द सम ऑफ अक्यूट एंगल ऑफ अबट्यूस एंगल ट्राइंगल इज 70 डिग्री एंड देयर डिफरेंस आर 10 डिग्री। सो देखो अपने कोई ट्राइंगल कि अबट्यूस एंगल ट्राइंगल है, कोई अबट्यूस एंगल ट्राइंगल इस तरह की। सो वो आ दो अक्यूट एंगल है, सो इन्हों दोनों सम कि 70 डिग्री है, तो डिफरेंस कि 10 डिग्री। सो आप लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना इन चार ऑप्शन में। सो देखो अबट्यूस एंगल होंगे कड़ा जो 90 तो ज़्यादा हो 180 तो घट हो ना, 90 तो ज़्यादा तो 180 तो घट होंगे कि है अबट्यूस एंगल। सो देखो ट्राइंगल तीन एंगल होंगे, यह सवाल अपना ऑप्शन सॉल्व हो रहा है, ट्राइंगल तीन एंगल है। सो जिस अपन
दो तक क्यूट है, तीजा की है अबट्यूज। सो अबट्यूज ही फाइंड करना। सो ऑप्शन जो तीन गिवन है ये तीन कड़ी हैं अक्यूट एंगल दी हैं, चौथी एक ऑप्शन ही है जी अबट्यूज एंगल ट्रायंगल है। सो इट मीन ऑप्शन नंबर चार अपना की आंसर होगा। ठीक है क्लियर है, बट फिर सवाल सॉल्व करते हैं। दो अक्यूट एंगल अपन मानते हैं एक्स एंड वाई, दोनों की है अक्यूट है। सो इन्हें दोनों का प्लस किन्ना हो जाएगा 70 डिग्री, तो इन्हें दोनों माइनस किन्ना है 10 डिग्री। सो इन्होंने ऐड कर दो कैंसल, 2x = 60, x = 30 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू किनी 30। सो हम एक्स की वैल्यू इतने पुट कर दो, वाई की वैल्यू कि आ गई 40 आ गई। ये दोनों अक्यूट है। सो ट्रायंगल तीन एंगल है, तीजा जेड मनो, तो ट्रायंगल तीन एंगल सम कि 180। सो एक्स प्लस वाई कि दे रखे अपन, एक्स से वाई दोनों अक्यूट है 70 डिग्री, जेड 180। सो जेड 70 उधर माइनस हो जाएगा 110। ओके सो ऑप्शन नंबर 4 अपना की आंसर। सो इस सवाल थोड़ा लेंथी होगा, इस सवाल आप सिंपल तरीके कर सकते हैं एकदम ईजी वे। सो एक्स से वाई आप मन अक्यूट एंगल है, जेड मन अबट्यूज है। ठीक है सो सिंपल आ स्टेप सॉल्व करा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल सम कि 180 डिग्री। सो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मीन दोनों अक्यूट एंगल सम कि 70 डिग्री है। सो जेड करना फाइंड, सो जेड की वैल्यू 110 आ जूगी। इस तरह भी सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन भी सवाल सॉल्व हो रहा है। ओके सो सम नंबर 7 देखो कि अपना 1 सेंटीमीटर की इक्वल है 400 मीटर के इक्वल है। सो 4 सेंटीमीटर की इक्वल होगा, सो 4 × 400 कितना हो गया 1600 मीटर। ओके बट जो अपनी ऑप्शन है, दो ऑप्शन मीटर च है, ये दोनों ऑप्शन ये मैच नहीं करती, जो बाकी दो बचिया ऑप्शन है ये किलोमीटर च है। सो इस मीटर आप किलोमीटर करेंगे चेंज डिवाइड बाय 1000। सो इन आंसर बचेगी 1.6 किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर 4 अपना की इसका आंसर। सम नंबर 8 जो 2018 पेपर च आया सी, एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट इज सप्लीमेंट एंड 2/5 ऑफ इट इज कॉम्प्लीमेंट। सो मेजर द एंगल, जो कि इस सम स्टेटमेंट है, इस सम स्टेटमेंट कोई प्रॉब्लम है क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना आंसर इस ऑप्शन मैच नहीं करता, बट जो पेपर च आंसर से 36। ठीक है सो सम नंबर 9 देखो, ए ट्रिगोनोमेट्री इज रिलेट टू ट्रायंगल, जो ट्रिगोनोमेट्री है वो ट्रायंगल ना रिलेट करती है। इन सेम वे जो मैंसुरेशन है वो किसके ना रिलेट करेगी। सो मैंसुरेशन में क्या होता अपना हमेशा एरिया होता है, एरिया वॉल। ठीक है सो ऑप्शन नंबर 3 अपना की है आंसर। सो इस नाल जो चैप्टर नंबर 13 है वो अपना की है कंप्लीट। चैप्टर नंबर 13 का सम नंबर 8 जो कि अपना करन तो रह गया सी, सो हम अपना लास्ट उपर कर लगे देखो एंड चैप्टर के एंड के उपर कि मेजर टू एंगल बिटवीन और एंड मिनट हैंड क्लॉक 9 o'clock कि मीन आप एंगल फाइंड करना और मिनट वाली सुई के विचकार, जेकर अपने क्लॉक की है 9 and 9 9 बज चुके हैं, क्लॉक के ऊपर की 9 बज चुके हैं। सो क्लॉक है सो 9 अपने इस तरह बजेंगे, इतने 9 होएगा इतने 12 होएगा। तो आ दो एंगल फाइंड करने हैं। सो देखो हूँ कि जो ए वाला एंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो जो ए वाला एंगल आप किमें फाइंड करेंगे, तो 12 तो लैके 9 तक जेकर आप काउंटिंग करिए फ्रैक्शन की 12/9/12 हो जाएगा। सो एंगल फाइंड करना है यदि मल्टीप्लाई करें 360 नाल। ठीक है सो सॉल्व कर दो 30 to 70 डिग्री, मतलब कि इतने एंगल कितना बनेगा 270 डिग्री। सो क्लॉक की पूरा सर्कल है, सो सर्कल पूरा एंगल कितना होता है 360, ये 270 है, फिर आवला एंगल कितना रहेगा जो 360 नू 360 विचों 270 माइनस करिए एक नौ 90। सो इट मीन ऑप्शन नंबर 2 अपना की आंसर है। सो इस सवाल ए करने की बजाय एक होर तरीका भी करा कि क्लॉक के हरेक 15 मिनट बाद 90 का एंगल बन जाता है, इतने भी 90 का फिर इतने 90 का 180 फिर इतने 90 टू मैं 90 का एंगल 3 बारी बन चुका है। सो 90 3 बारी प्लस करिए 270 तो भी अपना सवाल ए सॉल्व हो सकता है, तो ए भी आप कर सकते हैं। सो ये आप चैप्टर नंबर 13 की कंप्लीट है।